हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णाकांत और मैं यह बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया हूँ कि आप आगे खुद ही देख लेंगे कि क्या हालत है हम लोगों के बिहार के लड़कों का। हम लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोग का क्या हालत हो गया है। कल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था दोस्तों, संडे को। जब भी कोई मंत्री या विधायक या छोटा मोटा कोई भी मुखिया या सांसद, कोई भी मंत्री जब भी कहीं जाता है तो उसके पीछे कम से कम एक महीने पहले से लोग क्या करते हैं, पूरा सेटिंग करते हैं कि ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वहाँ पे जाना है, इतना गाड़ी होगा। तो जब सरकार को ये बात पता होती है कि इस तारीख को परीक्षा है, 12 बजे एग्ज़ाम है, तो क्यों न ऐसा कुछ न कुछ कर देती है कि जिससे कि विद्यार्थी को आने जाने में मशक्क़त कम लगे। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि कितनी एक स्टेशन पे अभी कितना भीड़ है। एक स्टेशन पे न जाने हजारों हजार, मतलब एक मैं गया के स्टेशन की बात बता रहा हूँ, वहाँ कम से कम 10,000 व्यक्ति स्टूडेंट सिर्फ गया स्टेशन पर खड़े थे ट्रेन से, ट्रेन पे आने जाने का। यदि वह पिछली ट्रेन से आएंगे तो उनका ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा तो उनका एग्ज़ाम छूट जाएगा। और दोस्तों, सरकार का कोई ठीक नहीं है कि फिर वापस उस वैकेंसी को कितने सालों के बाद लाएगी। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा क्यों करती है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कल ट्रेन की दुर्घटना में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वक्त 4 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गए वो लोग और चारों इस दुनिया से चल बसे। हम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ, इन लोगों में उनकी भी हम लोगों की भी गलती होती है हम लोगों की गलती, पर उस गलती को हम क्यों करते हैं, क्यों हम उस गलती को करते हैं। इसके पीछे का बात आपको पता है, हमारा भी एक ट्रेन छूट जाएगा तो पिछला ट्रेन ना जाने कब आएगी, कब जाएगी, ऐसा होता है। कल वही देखें, पूरी ट्रेन पर भीड़, पूरे हम लोग का एग्ज़ाम देने में इतना मशक्कत हुआ। उसके साथ ही दोस्तों, स्टेशन पे हम लोग क्या किए, इतनी ठंड में प्लास्टिक बिछाकर एक ओढ़ना के साथ पूरा एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम का तैयारी किए। जो लड़के दूर से आते हैं, जिनका सेंटर पटना होता है, वो आ रहे हैं मधुबनी से, तो वो क्या दोस्तों, परीक्षा के 2-4 घंटे पहले चलेंगे? आप मुझे बताइए, वो एग्ज़ाम के 2-4 घंटे पहले चलेंगे या एग्ज़ाम के एक दिन पहले चलेंगे? वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले चलेंगे। हमारी सरकार को कम से कम वो उतना मत सोचे, सरकार ये मत करे कि पर कुछ ऐसा, मतलब एक दिन के लिए, जिस प्रकार सरकार जब कहीं पे रैली करती है गांधी मैदान में, तो उस रैली के लिए क्या करती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है। रैली स्पेशल ट्रेन चलाती है तो एक दिन की रैली के लिए, तो यहाँ एक दिन एग्ज़ाम हो रहा है तो सरकार क्या नहीं चला सकती है? चलाना चाहिए सरकार को, बच्चे दुर्घटना से बचेंगे। दोस्तों, जिस लड़के का कल दुर्घटना हो गया, बताइए उसकी माँ बाप कितना उम्मीद के साथ उसको भेजे होंगे कि मेरा बेटा आज एग्ज़ाम देने जा रहा है, एग्ज़ाम देकर आएगा, और वो बेचारा वापस नहीं आ पाता है। ये कितना दुख होता होगा। हम किसी का दुख सिर्फ बयां ही कर सकते हैं दोस्तों, जब अपने आप पे किसी की बीतती है तो पता चलता है कि वो दुख क्या होता है। हम यही चाहते हैं कि सरकार एग्ज़ाम के दिन ऐसी परिस्थिति देखकर, सरकार को तो पता होता है कि कितना फॉर्म भराया गया है, कहाँ कितना, तो ऐसी परिस्थिति देखकर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर किया जाए, या कोई ट्रेन पैसेंजर ही ज़रूर चला दिया जाए बड़े बड़े मतलब कि स्टेशनों से, जहाँ से लोग पहुँच सके, कि थोड़ी सी ट्रेन पर भीड़ कम हो। ट्रेन पर भीड़ कम हो जाने से दोस्तों क्या होगा कि जो दैनिक यात्री भी हैं उनको भी परेशानी नहीं होगा। आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है, सरकार हम स्टूडेंट को क्यों नहीं अच्छे से देख पाती है। वो अपना जब उनका रैली होता है तो वो अपना गाड़ी भेजते हैं, अपना ट्रेन चलाते हैं, रैली स्पेशल ट्रेन, और जब हम लोगों की बात आती है तो क्यों ऐसा करते हैं। हम यही सरकार से बस चाहते हैं कि कुछ ना कुछ
हमारे लिए, आपके लिए, हम स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर करे। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हो तो प्लीज़ कृपया इसे शेयर करें और लोगों को बताएं और किसके पीछे आवाज़ उठाएं कि नहीं ये गलत हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।